गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला घर और मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक क्विक कंपैरिजन वीडियो है जिसमें मैं मामा अर्थ की हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन की कंपैरिजन लेके आई हूं मामा अर्थ न्यू लॉन्च एक्वा ग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल से। ये दोनों ही जेल सनस्क्रीन है, इसीलिए कंफ्यूज होना बनता है कि आपको इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं दो पॉइंट्स कवर करूंगी। पहला प्रोटेक्शन, कि कौन सी सनस्क्रीन कितना प्रोटेक्शन आपको देगी, उनमें कौन कौन से फिल्टर यूज किए गए हैं। और दूसरा, क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रॉन एंड सेंसिटिव है, तो मैं आपको बताऊंगी इन दोनों ऑयल फ्री जेल सनस्क्रीन में से आपके लिए कौन सी बेस्ट है अगर आप भी मेरी तरह ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन टाइप वाली कैटेगरी में लाइक करते हैं। सबसे पहले आप पैकेजिंग में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों की पैकेजिंग एकदम डिफरेंट है। ये ट्यूब टाइप की पैकेजिंग में आता है जबकि इसे आपको ऐसे ट्विस्ट करके ओपन करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसे करना होगा, उसके बाद ये बाहर आएगी। दोनों में ही आपको 50 ग्राम की क्वांटिटी मिलती है। दोनों का ही प्राइस 399 रुपीज है। दोनों पे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ कूपन कोड लगा के कुछ ये कम प्राइस में मिल जाएंगी और दोनों के साथ ही आपको 2 साल की शेल्फ लाइफ मिलती है। डिफरेंस है इनके प्रोटेक्शन में। जो इनकी पुरानी सनस्क्रीन है हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन, उसमें आपको SPF 50 एंड PA++ का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि ये जो न्यू लॉन्च है इसमें आपको SPF 50 PA++ का प्रोटेक्शन मिल रहा है। दोनों ही क्लेम करती हैं कि UVA एंड UVB रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगी, जबकि ये एडिशनली ब्लू लाइट से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगी। इन दोनों ही प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये प्रोडक्ट पिछले साल लॉन्च हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे, इसलिए ये वाली वीडियो बहुत पुरानी है और मेरे रिव्यू करने के स्टाइल में भी आपको अंतर दिखाई देगा, लेकिन लाइव क्लिप और वियर टेस्ट के साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने 1 साल पहले आपके साथ शेयर किया था। और ये जो सनस्क्रीन है इसका रिसेंटली मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कौन से फिल्टर अपनी सनस्क्रीन में देखने चाहिए और कौन से फिल्टर आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन हो सकता है ना दें FDA की एकदम न्यू 2021 वाली सनस्क्रीन के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि आप ये दोनों ही प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रिव्यू चाहे तो चेक कर सकते हैं, अगर आपको इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो। आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों के बीच का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्राइस पॉइंट पैकेजिंग के बाद हम बात कर लेते हैं फिल्टर्स की। ये जो हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन है इसमें 3 केमिकल फिल्टर यूज किए गए हैं। पहला सनकैट, जो आपकी स्किन को फुल स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ साथ इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो भी काफी ज्यादा लार्ज है, इसीलिए आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं करता और एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। दूसरा, इसमें ये सेकेंड केमिकल फिल्टर यूज किया गया है जो UVB रेंज को एब्सॉर्ब कर लेता है एंड UVA में UVA सेकेंड टाइप की रेंज को एब्सॉर्ब करता है, जबकि UVA फर्स्ट टाइप की रेंज को एब्सॉर्ब नहीं करता, यानी कि ये UVA के कुछ पार्ट को एब्सॉर्ब करता है। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर केमिकल फिल्टर है ये हाईली फोटो स्टेबल है। ये अपना SPF सिर्फ 10% लूज करने में 25 आवर्स तक लगाता है, जबकि आपको पता होगा अगर कोई सन प्रोटेक्टिंग एजेंट 2 घंटे तक भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे उसे भी फोटो स्टेबल कहा जाता है, बट ये पर्टिकुलर केमिकल फिल्टर 25 आवर्स लगाता है सिर्फ और सिर्फ 10% SPF लूज करने में। SPF आपकी स्किन को UVB रेंज से प्रोटेक्ट करता है। UVA एंड UVB आपकी सनस्क्रीन में दोनों रेंज को प्रोटेक्ट करने वाला फिल्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही रेंज स्किन कैंसर का रीजन हो सकती है। UVA जनरली ज्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि ये आपकी स्किन को डीपली पेनिट्रेट करके अंदर से डैमेज करती है और UVA रेडिएशन की वजह से ही आपको प्रीमेच्योर एजिंग डलनेस के साइन दिखाई देते हैं, जबकि UVB जो रेज है वो आपकी स्किन को बर्न करती है, यानी कि जो आपको सन बर्न होता है वो UVB रेडिएशन से होता है, लेकिन UVB रेज डायरेक्टली आपके DNA को अफेक्ट करती है, इसीलिए ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन कैंसर का। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि चाहे आप घर के अंदर हो बाहर हो, आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसमें ये थर्ड केमिकल फिल्टर है जो कि आपकी स्किन को UVA एंड UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो मामा अर्थ
साउथ हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन एक केमिकल सनस्क्रीन है। इसमें कोई भी फिजिकल फिल्टर जैसे कि जिंक ऑक्साइड या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी यूवीए एंड यूवीबी रेस से। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी में ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। इसमें बहुत ही माइल्ड फ्रूटी स्मेल आती है। ये जो फॉर्मूला है ये स्किन पे लगते ही तुरंत ही मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल भी ये हैवी नहीं लगता, ग्रीसी नहीं लगता। लेकिन एक से डेढ़ घंटे बाद मैंने देखा कि काफी ज्यादा ऑयल मेरी स्किन से बाहर आता है इस सनस्क्रीन को यूज करने के बाद, यानी कि सिर्फ एक से डेढ़ घंटे बाद ही मेरी स्किन काफी ज्यादा ग्रीसी हो जाती है। इसी वजह से मुझे ये पर्टिकुलर सनस्क्रीन आज की डेट में पसंद नहीं है। जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम मुझे इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक साल पहले तक भी हमारी इंडियन मार्केट में अच्छी सनस्क्रीन्स की कमी थी। तो क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा लाइट वेट था और जनरली जो सनस्क्रीन मैंने तब तक यूज की थी वो काफी ज्यादा हैवी मेरी स्किन पे लगती थी, इसलिए उस टाइम मुझे ये सनस्क्रीन अच्छी लगी थी। लेकिन एक्ने प्रोन स्किन वाली कैटेगरी के लिए मैं नहीं कहूंगी कि ये एक बेस्ट सनस्क्रीन है, क्योंकि मैंने देखा था इसके रेगुलर यूज से मुझे कुछ एक्ने के ब्रेकआउट आ गए थे। उसके ऑपोजिट सबसे पहले इसके फॉर्मुलेशन की ही बात कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। इस सनस्क्रीन से थोड़ा सा हैवी है, स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट तक आपको लग सकता है कि आपको व्हाइट हो गया है आपका चेहरा, लेकिन ये आपके चेहरे पे बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है और काफी हद तक ये आपकी स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखता है। आपकी स्किन ना बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगती। दूर से 2-3 दिन तक आपको लग सकता है कि आपका फेस हैवी लग रहा है, लेकिन एक बार जब आपका फेस इस सनस्क्रीन से यूज टू हो जाएगा उसके बाद आई मस्ट से गाइस यू विल लव इट। तो इसका फॉर्मूला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके साथ साथ अगर आप एक्ने प्रोन स्किन वाली कैटेगरी में आते हैं, अगर आप सही सीरम स्किन कंसर्न के हिसाब से और सही मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो ये जो सनस्क्रीन है वो उनके इफेक्ट को बढ़ा देगी आपकी स्किन के लिए। और इसे अगर आप एक भी दिन नहीं लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ मिस कर दिया है। तो इसीलिए ये जो सनस्क्रीन है मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसमें 3 टाइप के फिल्टर यूज किए गए हैं। पहला सनकैट जो कि पिछली वाली सनस्क्रीन में भी था, और इसके अलावा इसमें 2 फिजिकल फिल्टर यूज किए गए हैं, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इसीलिए फॉर्मूला, कंपोजिशन, प्रोटेक्शन इन सब के अकॉर्डिंग मुझे ये वाली सनस्क्रीन हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन से ज्यादा अच्छी लगी। और मैं आपको अगर आप ऑयली अपने प्रॉन स्किन टाइप वाली कैटेगरी में आते हैं तो ये सनस्क्रीन रिकमेंड करना चाहूंगी। इन दोनों ही सनस्क्रीन में फिल्टर्स के अलावा कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जैसे कि हाइड्रा जेल में आपको रसबरी ऑयल मिलता है जो कि एक नेचुरल सन प्रोटेक्शन का काम करता है। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए एंड विटामिन सी होता है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट और सूथ तो करता ही है, और एलोवेरा इन दोनों ही सनस्क्रीन में डाला गया है। इसके अलावा हाइड्रा जेल में ग्लिसरीन है जो कि मॉइस्चराइजर का काम करता है, जबकि ये जो न्यू एक्वा ग्लो रेंज है इसमें हिमालयन थर्मल वाटर एंड हियालुरोनिक एसिड यूज किया गया है। हिमालयन थर्मल वाटर मिनरल रिच होता है और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और उसके अलावा हियालुरोनिक एसिड आपको पता होगा एक मॉइस्चर बाइंडिंग एजेंट होता है। तो ये दोनों ही सनस्क्रीन बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इसका फॉर्मूला और इसकी परफॉर्मेंस, इसका प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।